हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम अपना चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है फीचर्स ऑफ HRM सिस्टम। यानी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, इसका मतलब हम लोग देख लिए थे। इसमें कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, इट डेवलप्स, कंपनसेट, इंटीग्रेट एंड मेंटेन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, एक गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब ये अपने जो भी कंपनी का गोल होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, वो कंपनी उससे पूरा करती है। और इसमें जो भी कंपनी होती है, वो ह्यूमन को डेवलप करती है, ह्यूमन के स्किल्स को, ह्यूमन के इंटीग्रेट्स को, कंपनसेशन को, वो सारी चीज़ें क्या करती है, ह्यूमन में डेवलप करती है। इट इनपुट्स इंक्लूड लेबर मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन गोल, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, वैल्यूज़ अबाउट पीपल। इसमें तीन प्रोसेस होते हैं, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन, आउटपुट। तो इसका जो भी इनपुट का प्रोसेस होता है, उसमें उस लेबर मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल्स है, पॉलिसीज़ क्या है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वैल्यूज़ है उनके नज़र में पीपल के बारे में, ये सारी चीज़ें इनपुट में इंक्लूड होती है। इट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इंटू आउटपुट, सच एज प्रोडक्टिव, ट्रेन एंड मोटिवेटेड पर्सनल ह्यूमन स्किल्स एंड एटीट्यूड। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, उसमें ये क्या करते हैं, पर्सनल जो भी पर्सन होते हैं उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके स्किल्स को डेवलप करते हैं, और उसके थ्रू वो उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड जो आपका है वो होता है कन्वर्सेशन प्रोसेस, इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट एंड सेलेक्शन प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। कन्वर्सेशन के प्रोसेस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पर्सन का रिक्वायरमेंट और सेलेक्शन करते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ HRM सिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ईच HRM सिस्टम कंटेन्स नंबर ऑफ सब सिस्टम लाइक HRM प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रेटजी एट्सेट्रा। हर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ सब सिस्टम भी होते हैं, जैसे कि HRM का प्लान क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें HRM सिस्टम में इंक्लूड होती है। और उसी सब सिस्टम को मिला के हमारा HRM सिस्टम बनता है। द वेरियस इंटरनल HRM सब सिस्टम ऑपरेट विद इन फ्रेमवर्क ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इज़ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज। जो हमारे इंटरनल HRM सिस्टम होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर ही काम करते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती हैं, जो कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, HRM सब सिस्टम के इंटरनल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और उसी के अंदर कंपनी वर्क करती है। इन HR डिपार्टमेंट एवरी सब सेक्शन और एवरी सब सिस्टम हैज़ बाउंड्रीज दैट सेपरेट देम फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। हर जो HRM डिपार्टमेंट होता है, HR का डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर जो भी सब सिस्टम होते हैं, उस में क्या होती हैं, बाउंड्रीज बना दी जाती हैं, और वो क्या करते हैं, उसको और उसके इन्वायरमेंट को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, कि मतलब आप इन दायरे के बाहर जाके वर्क नहीं कर सकते हैं। HR सिस्टम हैज़ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल, ह्यूमन बींग्स, एनर्जी, नॉलेज एट्सेट्रा। HR सिस्टम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का, मटेरियल का, ह्यूमन बींग का, एनर्जी का, नॉलेज का, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, मटेरियल, रिसोर्सेज, ह्यूमन बींग्स, एनर्जी, नॉलेज एक्सचेंज किया जाता है, जिसकी मदद से लोग वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा फीचर्स था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।